जनवरी के अंतिम सप्ताह में ऑफ एयर हुए द कपिल शर्मा शो जल्द ही नए सीजन के साथ वापसी करेगा। शो में सपना का किरदार निभाने वाले कृष्णा अभिषेक ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि शो मई में टीवी पर लौट आएगा। अभी तक हमने तारीख तय नहीं की है। इस बार शो में कई अलग चीजें देखने को मिलेगी। सेट फिर से बनाया जाएगा, हमारे पास नया सेट होगा, साथ ही कुछ और चीजें इसमें नई नजर आने वाली है। हम जल्दी आपको खुशखबरी देने वाले हैं। ई टाइम से बातचीत में जब कृष्णा से पूछा गया कि क्या वे अपने किरदार सपना को याद करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं शो को बहुत याद करता रहूंगा क्योंकि हम वहां बहुत मस्ती करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन कितनी तेजी से बीत जाता है। कपिल और मैं इस बारे में फोन पर बहुत डिस्कस करते हैं क्योंकि हम दोनों ही चाहते हैं कि शो जल्द ही फिर से शुरू हो जाए। वह भी इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड है कि नए सीजन में हम कई नई नई चीजें करेंगे। मीडिया से बातचीत में शो से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जिस वक्त शो ने ब्रेक लेने का फैसला किया था, तब वे सिर्फ 2 महीने के लिए ये ब्रेक चाहते थे। उस दौरान कपिल अपनी OTT डेब्यू फिल्म की शूटिंग में बिजी थे और साथ ही उनकी पत्नी गिन्नी चतुर्थ भी प्रेग्नेंट थी। कपिल के पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को ध्यान में रखकर चैनल ने उन्हें 2 महीने का ब्रेक लेकर मार्च महीने में शो पर फिर से वापसी करने को कहा था। हालांकि अब तक इस प्लान पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामले को ध्यान में रखकर सरकार कई नई गाइडलाइंस बना रही है। ऐसे में कुछ महीनों तक शो में लाइव ऑडियंस आने की भी कोई संभावना नहीं है। फिल्में भी रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए बॉलीवुड एक्टर्स किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए शो पर नहीं आ रही हैं। जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते, मेकर्स इस पर काम शुरू नहीं करेंगे। द कपिल शर्मा शो का आखिरी एपिसोड 31 जनवरी 2021 को टेलीकास्ट किया गया था।